शिवाजी बाट से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी बाट में अवैध शराब बेची जाने की शिकायत पुलिस को मिली थी। सूचना पर पुलिस ने शिवाजी बाट स्थित 14 चौराहे पर एक मकान से बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब जब्त की है एवं एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एवं एसडीओपी प्रशांत सुमन के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर 14 चौराहा शिवाजी बाट में एक घर में दबिश दी गई, जहां से पलंग के नीचे छिपा कर रखी गई 6 पेटी 22 पाव अवैध शराब कीमत 28,980 रुपए बरामद की। मौके पर मिले मुश्ताक खान पिता गफ्फार खान को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बेटा शहजाद शराब बेचने के लिए लाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है एवं दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कमल इकबाल, सब इंस्पेक्टर रामदीन सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, प्रधान आरक्षक के यादव, प्रधान आरक्षक राजा गांगी, आरक्षक लोकेन्द्र सिंह, आरक्षक दीपेंद्र, आरक्षक गजेंद्र, महिला आरक्षक सपना, आरक्षक चालक दीपेंद्र सिंह भदौरिया की अहम भूमिका रही। रात में मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवाजी बाग में 14 चौराहा के पास में एक मुश्ताक खान साहब रहते हैं, वो अपने घर में अवैध शराब का क्रय विक्रय करें। पुलिस के द्वारा सूचना की तस्दीकी की गई। तस्दीकी के दौरान उसके घर से 58 लीटर देसी लाल मदिरा बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 29,000 रुपये आसपास है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसको आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। और आरोपी में जो शराब लाने की जानकारी उसके लड़का उसके द्वारा लाकर घर में रखी गई थी, उसको भी आरोपी बनाया गया है। और अभी शराब कहाँ से, इस संबंध में विवेचना की जा रही है।